चलो हम लोग अब फुल रेडी हो गए, चलो निकलते। ये हमारा रूम है। तो गाइस देखो, हम लोग अभी बाहर आए और बाहर अभी बारिश स्टार्ट हो गई। पूरा रोड जैसा कि देख पा रहे हो गीला हो गया है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे अब छाता ले लेंगे, अभी छतरी का दुकान देखते हैं, आसपास कोई मिलेगा। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो भीगने से फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा। अभी ट्रिप में और भी बहुत सारी जगह पे जाना है जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, इसीलिए वील टेक केयर ऑफ दैट। किसका फ़ोटो ले रहा है? सीनरी। अच्छा, तो गाइस अभी बारिश जो है वो रुक चुकी है, हम लोग निकल गए हैं थोड़ा ऐसे आसपास का एरिया देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। आज शाम के लिए, अभी शाम के वैसे बजे है, शाम नहीं रात के बजे है 8:45, हमारे लिए शाम ही है, हम लोग अभी निकले। पूरे गैंगटॉक में जो है अभी पानी का प्रॉब्लम है, मतलब ये दोनों तो नहा लिए लेकिन मैं नहीं नहा पाया, तो मेरे को थोड़ा सा एक वो जो होता है ना 2 लीटर का पानी, उससे पूरा फ्रेश होना पड़ा, तो ये सीन है आज का। तो कोई नहीं, एक टैंकर वैंकर आता है तो उससे पानी ये लोग सप्लाई कर देते हैं। देख हम लोग रुके थे सैम फिल्मा में, सैमसंग चलो गुड नाइट। गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया और अपने हम लोगों ने बाइक रेंटल लिया यहाँ पे। एक एक्सपल्स है और एक एंटोर के, एक्सपल्स चलाऊंगा मैं और एंटोर चलेगा ऋतुराज। तो चलो पहले यहाँ से चेकआउट करते हैं, फिर बाइक लेके पूरा गैंगटॉक साइट सीइंग करेंगे और बहुत ही एक्साइटिंग जगह जाने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग नए होटल में आ गए हैं, चेक इन कर लिया है, रेडी वेडी हो गए हैं। यहाँ पे मोइना सब भी रेडी हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे बंजाकरी फॉल्स, वहाँ पे बहुत सारा कुछ करने के लिए, पैराग्लाइडिंग एंड ऑल, वील चेक दैट आउट। और यहाँ का व्यू देखो यार, कितना सुंदर व्यू है, वहाँ पे अपना इंडियन फ्लैग और पूरा हिल्स का व्यू है। अभी गैंगटॉक में जो है वेदर थोड़ा उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, लाइक एक टी शर्ट में ही हो जा रहा है। मई का महीना है 2023, तो या चलिए नीचे चलते हैं। तो यहाँ से लेंगे अपना मोटरसाइकिल्स, ऋतुराज लेगा एंटॉक, एनआईटी का इंपल्स। ऑलराइट, तो दिस विल बी आवर बाइक, इसी को राइड करेंगे। हेलमेट ले लिया है, अब मैं मिलता हूँ आप लोग से गोप्रो में। ये पकड़, चलो गाइस लेट्स गो। यार थोड़ा माउंट का इशू हो गया है, एक अटैचमेंट होता है वो मैं लाना भूल गया, तो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने बैग में रखा हुआ है गोप्रो को, ये थोड़ा मूवमेंट करेगा, लेट्स सी यार काम हो जाएगा बस अपना। चलो गाइस, ओम नमः शिवाय। ऋतुराज ने लिया है एंटॉर्क और मैंने लिया है ये एक्सपल्स। मोइना ऋतुराज के साथ ही बैठा हुआ है, मैप देखने में हेल्प करेगा वो। यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं बंजाकरी वाटरफॉल्स, यहाँ पे मतलब बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है। और एक्सपल्स में मतलब मैं अच्छा लग रहा हूँ देखने में, इसका बाइक का जो हाइट है वो अच्छा है, हैंडलिंग भी बड़ा सही बाइक है, लाइट वेट है, तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसमें से। आई थिंक आई नीड अ अपग्रेड इन बाइक नाउ।
बनझाकरी वाटरफॉल किस तरफ है? आगे राइट नीचे ना। थैंक यू। पेट्रोल यार, इस तरफ व्यू देखो कितना सुंदर है ना। एक्सक्यूज मी, बनझाकरी वाटरफॉल किस तरफ है? बिल्कुल स्ट्रेट। थैंक यू। चलिए जी, ऑल सेट, पेट्रोल डल गया है बाइक में, अब निकलते हैं यहाँ से। एंड गाइस, ये जो माउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मैंने बैग पे अपना ट्राइपॉड डाल के उसको माउंट किया हुआ, जैसे तैसे मतलब जुगाड़ है। मैं चेस्ट माउंट लाया था अपना, बट उसमें एक अटैचमेंट होता है, वो लाना मैं भूल गया। मतलब क्या बताऊँ मैं, नहीं तो उससे बढ़िया स्टेबलाइज फुटेज आता, बट अभी यही है, जुगाड़ है, कैसे भी करके करना पड़ेगा, तो एडजस्ट कर लेना। ये देखो, ये ऑफ रोड आ गया यहाँ पे। मोबाइल होल्डर होता ना तो अच्छा होता। ऋतुराज को भी अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये लोग सामने जा रहे हैं मेरे, क्योंकि इनके पास ही वो जो GPS है, मोइनाक पीछे बैठ के ही इज ऑपरेटिंग द मैप, तो इसीलिए आई कांट गो अहेड ऑफ देम। ओह गाइस, अब तो पूरा सीधा सीधा उतरना ही है ना। और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक रूल्स भी आपको थोड़ा मान के चलना पड़ता है, कि आप शूज़ और हेलमेट के बिना तो यहाँ पे बाइक हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर पुलिस ने देखा तो अच्छा खासा फिर तो दिक्कत आएगी आपको। एंड सेकेंडली, जो नॉर्मल रूल है, दैट इज़ लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना है, वो यहाँ पे बहुत सीरियसली लेते हैं। कोलकाता में तो कोई भी कहीं से भी कर देता है, बट इधर पे यू कांट डू दैट। यहाँ पे आपको राइट से ही हॉर्न मार के ओवरटेक करना है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड थिंग ओवर हियर। बाकी तो अपना ही है। अब बाइक लेने का पता है फ़ायदा क्या है, कि आप कहीं पे भी अच्छा जगह आपको पसंद है, आप रुक गए, चाय वाय पी लिया, फ़ोटोज़ खींच लिए, ये सब आपको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप शेयरिंग कार वार में जाओगे तो फिर थोड़ा अजीब लगता है ऐसे बार बार रोकने के लिए। पूरा टूटा हुआ रास्ता है यहाँ पे तो। ये लोग कहाँ रह गया?
चलो अब ऋतुराज थोड़ा बाइक चलाएगा, मैं चलाऊंगा स्कूटी। मेरे को तो इसमें दिक्कत हो रहा है थोड़ा। अरे बाप रे, इतना छोटा है ये। अरे बाप रे, अरे बाप रे, दादा मोनास्ट्री किस तरफ है? कौन सा मोनास्ट्री? रंका। यहाँ से आगे जाके एक ट्रैफिक पॉइंट मिलेगा, इधर इधर हाँ। नहीं जाना है, आगे जाना है। आगे, थैंक यू।
एंट्री फी है क्या? चलो गाइस, ये जो अपनी बाइक है रेड कलर की, इसका मैं कुछ नाम सोच रहा हूँ अभी दिमाग में, फिलहाल तो कोई नाम आ नहीं रहा है। ये बाइक अपने पास कल सुबह 8 बजे तक के लिए है, उसके बाद तो फिर हम लोग चले जाएंगे नॉर्थ सिक्किम, गुरु दोंगमार लेक एंड ऑल। तो काफ़ी एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं और पिक्चर्स भी इंस्टाग्राम पे रहेंगे, तो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल होगा, वहाँ पर ज़रूर से जाके फॉलो करना, सारे मतलब लाइव अपडेट्स एंड ऑल वहीं पर होंगे। पीसफुल है यहाँ पे, ज़्यादा शोर नहीं करेंगे। तो अभी का जो वेदर है ना, दैट इज सो प्लेजेंट, मतलब टी शर्ट पहन के हम लोग घूम रहे हैं, बाइक साइक चला रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। बस बारिश ना आए यार, क्योंकि बारिश आने से फिर बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ता है, और हम तो फर्स्ट टाइम चला रहे तो ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं। यहाँ पे फिलहाल कुछ शॉप्स है मोनास्ट्री के सामने, अमेजिंग प्लेस। Look at this. गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं वाटरफॉल, वाटरफॉल का नाम है बन झकरी वाटरफॉल। यहाँ पे 250 रुपीज़ लिया हम लोग से एंट्री एंड पार्किंग मिला के। तो किस तरफ है भाई? तो अभी जो मेरे GoPro का बैटरी है वो ख़त्म हो चुका है, ऑल दो हमारे पास पावर बैंक है, बट अभी उतना करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि रास्ते तो सेम ही है। तो यहाँ पे कुछ है ऐसा वाटरफॉल, अरे बापरी कैसा जगह है भाई, खड़े होने का क्या?
नहीं नहीं बाबा, भाई डर लग रहा करो तुम्हें, देखो डर नहीं लग रहा है, खड़े होके देखता हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बट ये पीछे वाटरफॉल है सुंदर सा, और इधर से कैफे भी है। कैसा लगा ये वाटरफॉल? ठीक है। ना ना ठीक है ना, बहुत पेड़ है, ये तो पूरा पेड़ का रास्ता है। तो अभी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, पर कोई नहीं, देख ही लेंगे, इतनी सी बारिश से क्या होता है। कितना दूर है वाटरफॉल? अच्छा ओके, थैंक यू। वाह, मतलब कितना कितना ग्रीनरी यहाँ पे है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वाटरफॉल, बस थोड़ा सा सामने ही है। वाओ, लुक एट दिस वाटरफॉल, दिस इज लवली। तो गाइस दिस इज द मेन वाटरफॉल, देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। इधर पे देखो कितना सारा एक्टिविटीज है, ये टायर वायर लगा हुआ है वहां पे, ऐसे बना हुआ है, बढ़िया है नहीं? यहाँ पे आप रीजनल ड्रेस खरीद सकते हो, मतलब खरीद के आप रेंट ले सकते हो पहनने के लिए। एंड गाइस लुक एट दिस वाटरफॉल, डैम। ट्रेनिंग देखा, ठीक है लाउड है वाटरफॉल, और पानी देखते कितना ठंडा है, काफी ठंडा पानी है यार, और काफी मेस्मराइजिंग व्यू है, लव इट। अगर इसके नीचे जाके नहाए तो आई डोंट नो कैसा एक्सपीरियंस होगा, चिली ठंडा पानी या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा वो भी पता नहीं है यार, बट बहुत ही ज्यादा सुंदर और रिफ्रेशिंग लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अभी बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज मतलब हल्की हल्की हो रही है, बट जाने से तो बाइक चलने से भीग जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे शेड के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बारिश रुक जाए।
तो बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, कुछ करने का नहीं है, तो वी हैव कम टू दिस कैफे टू गेट सम कॉफी। तो गाइस कॉफी आ गई। खेलो दिमाग सीरियस पीओके। यहाँ देखो ऐसे पूरा भुट्टा लटका हुआ है इस कैफे में। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है मस्त, बारिश में वी आर एंजॉयिंग कॉफी। गैंगटॉक का साइट सीइंग करके आ गए, बहुत ही मतलब ऑफ बीट प्लेसेस है, मजा आया घूम के, बट बारिश आ गई थी इनमें तो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, MGMR में घूमेंगे और डिनर विनर वहां से कुछ कर लेंगे। गाइस ये देखो यहाँ पे पूरा फॉग्ड अप हो चुका है, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड इट्स ऑल फॉग्ड अप। माय गॉड बहुत ही मजा आ रहा है मतलब दिखने में इसको। यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है विथ कैनन ईओएस रेबल। ऋतिक रोशन और डब्बू रत्नानी Damn, man. बारह बजे तक खुला है। बारह बजे तक सही है भाई।